डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस एक नया टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने देखा शॉर्टकट लॉन्ग कट मेथड, राइट? लॉन्ग कट मेथड क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लॉन्ग कट शॉर्टकट होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही मेथड है, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बनाओ। लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस भी बनाने को आता है, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले आज एग्जांपल एक फिर से लॉन्ग कट मेथड लेते हैं, यानी आज फिर हम ट्रांजिशन एंट्री करेंगे, फिर लेजर करेंगे और फिर बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, बनाइए फटाफट क्वेश्चन एंड फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज का जो डिमांड आया कि सर कम लेजर वाले क्वेश्चन देना है सर, हाँ तो लिखिए। आज हम एक्सपेंस और इनकम ज्यादा लिखते हैं, कंबाइन एक्सपेंस करें। अरे क्यों मतलब? अरे बाद में कब होगा? अगले जन्म तो ना होगा, अभी ही होगा, ट्वेल्थ में तो ना कराऊंगा मैं। लिखो, जर्नलाइज, पहले क्वेश्चन बनाओ फास्ट। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आज बच्चों की डिमांड है, जल्दी छुट्टी चाहिए, चाहिए तो जल्दी जल्दी लिखो भी। आपने कॉमा, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स साहिल। हाँ लेकिन साहिल ट्रेडर्स, ओके साहिल, चलो साहिल बर्थडे मंथ बताओ बेटा। फेब मंथ लिखो, चलो फेब मंथ, फेब में आखिरी महीना कैसे लेंगे, ठीक है चलो लिखो लिखो फेब 2022। लिखिए 1 तारीख को। अब न्यू दुकान नहीं कर रहे हैं, ऑनगोइंग एक्टिविटी करके दुकान चालू कर रहे हैं, यानी चालू दुकान के अकाउंट नहीं कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री से शुरू करो। परचेज सेल की बहुत एंट्री हुई, हाई लेवल लिखते ना, हाई लेवल डिस्काउंट लेते हैं, कैश डिस्काउंट है ना, हाँ परचेस एंड डिस्काउंट ऐसे एंट्री थे कुछ। देखिए कैश सेल्स रुपीस, कैश सेल्स रुपीस 10,000 एट 10% सीडी, ओके क्लियर। देखो थर्ड गुड्स सोल्ड टू रवि क्यों हंस रहे हो? अरे कुछ भी है, गुड सोल्ड टू रवि। अभी तो क्या इन्हें, तुम्हारा थिंकिंग कहाँ जाता है यार। गुड सोल्ड टू रवि रुपीस 1200 एट 5% सीडी। देखो फिफ्थ गुड्स रिटर्न बाय रवि रुपीस 400
नो आर्ग्यूमेंट्स विद कैप्टन्स. इट शोज डिसरिस्पेक्ट. ओके क्लियर. चलो हाँ, गुड रिटर्न बाय, अभी गुड रिटर्न बाय रवि द्वारा हमारे पैटर्न आ रहा है. कौन सा रिटर्न? वो ये सेल रिटर्न. कौन सा? वो ये आप लिखो एक आधी एक्सपेंस इनकम की एंट्री है ना. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड. पेड रुपीज 1000. ठीक है. अब एक और लेते हैं. डिस्काउंट रिसीव की एंट्री नहीं ली, अलाउड किया है हमने. देखो फिर कैश परचेस परचेस रुपीस. कैश नहीं है ना बेटा ऊपर. कैश नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस यार ना. कैश नेवर हैव, कैश ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस यार ना. आइदर जीरो आइदर डेबिट, नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. कैश कभी ऐसा नहीं होगा कि आएंगी कम जाएंगी ज्यादा. जितनी आएंगी यहां तो उतनी जाएंगी, या तो कम जाएगी उससे. समझा? क्लियर. देखो मेरे पास 500 रुपये आ रहे हैं तो मेरी मैक्सिमम स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी कितनी होगी? कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूँगा 500 रुपये आए थे, 600 रुपये कहीं दिखा के आया नकदी में. लोग बोलेंगे पागल है तू. क्या बोलेंगे? क्यों? तेरे पर अगर 500 रुपये हाथ में है तो मैक्सिमम कितना स्पेंड करता है? 500 ही. जीरो होना कहूँगा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट जीरो. लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा नोटा आ रही कम और जा रही. That's why, अब जा रही तो क्रेडिट होता ना क्रेडिट, तो कैश नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं. इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कैश का डेबिट साइड बढ़ाना चाहिए. अब देखो हमारे पास नोटा कितनी आई है? 10000 रुपये. ये माल बचाना अपन ने, 10 नहीं आई है, 10% डिस्काउंट काटा है ना. 9000 आई कितनी आएंगी? अब 9000 रुपये गए क्या? देखो 1000 यहाँ गए. अब यहाँ पे 9 से कम ही बेचते हैं ना अपने को. यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ तुमको? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा? आत्मगुरु से बिंदास. हाँ मैं बोल रहा हूँ नोटा आने के सोर्सेज ज़्यादा दिखाओ, जाने के सोर्सेज कम दिखाओ. अब समझा? हाँ लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है ना फिर उसका कैश का. हम तो सब इसको देख के ही करेंगे ना. तो कैश अकाउंट नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. समझा? क्लियर. कैश को कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता ना. कैश अकाउंट की कभी क्रेडिट साइज बड़ी नहीं आती कभी यार ना. अरे बैलेंस किसका बचता है? जो साइड बड़ी आती है. याद करो, अरे जिस साइड में जिस लेजर को आपने ब्रॉडन किया उस लेजर को वो बैलेंस होता है. कल तो किया अपन ने. तो कैश का ब्रॉडन कभी क्रेडिट में नहीं आता याद रखना हमेशा. पूछो क्यों? कभी ऐसा नहीं होगा नोटा आएंगी कम और जाएंगी ज्यादा. कभी नहीं होगा. यहां तो जितनी आएंगी इक्वल्स टू जाएंगी, यहां तो कम जाएंगी. समझा आपको? क्लियर. अरे आ रहा क्या तुमने? कभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे पास 1000 रुपये थे, मैं 2000 की शॉपिंग करके आया नकदी में वो भी. तो लोग बोलेंगे पागल है तू. क्या बोलेंगे? क्यों? अगर तेरे पास 1000 रुपये हैं तो नकदी में तू कैपेसिटी मैक्सिमम 1000 ही कर सकता है, उससे ऊपर नहीं. हाँ वो उधारी करता है फिर तू. तो उधारी की ट्रांजेक्शन कैश के लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है वैसे भी? आपको समझा? क्लियर. दैट्स व्हाई कैश, बोलो मैं सर, कैश अकाउंट नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. ओके एक आधा एमसीक्यू आएगा. द डैश अकाउंट इज नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. तो कौन सा? कैश. क्लियर पिक्चर? बाकी सबका डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा लेकिन कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस आता नहीं है. कैश का बैलेंस ब्रॉडर हमेशा डेबिट में होगा. कितने भी एग्जांपल देखो हमने किए आज तक, अभी कैश को क्रेडिट किया देखो अपने. कैश की क्रेडिट साइड कभी बढ़ी नहीं आएंगी, डेबिट ही बढ़ाएंगी. यहाँ तो इक्वल होगा. क्या होगा? समझा? क्लियर. अब अभी भी अगर नहीं सीखा तो क्या करोगे? बस इतने में 23 मिनट का. हाँ कितना करूं? देखो यहाँ नोटा 9000 आई है ना. अब यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ गए, बाकी 8 बचे ना. तो 8 में से 4 गायब कर दो.
डिपेंड करता है वापस लेते वक्त डिस्काउंट है कि नहीं। अरे डिस्काउंट अमाउंट उसमें लिखा हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में, तभी उसको डिडक्ट करना है, नहीं तो नहीं, वो डिस्काउंट अमाउंट काट के अमाउंट है वो। समझा क्लियर? जो भी क्वेश्चन है पूछो, बिंदास पूछो, लेकिन पूछने के बाद समझ में आया तो हाँ बोलो, और नहीं आया तो नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलना। डॉक्टर से और टीचर से कुछ बना नहीं यार ना हमेशा, अगर तुम्हें जिंदगी सवार नहीं है अपनी तो डॉक्टर से और टीचर से कुछ भी नहीं छुपाना। नहीं आ रहा ना तो नहीं बोलो, एक ही बात पेड़ो मैं 10 बार सुनाऊंगा, इट इज माई फॉर्मल ड्यूटी। लेकिन एक बार तुमने हाँ बोल दिया है ना, इसका मतलब है कि मेरी ड्यूटी वहां पे खत्म, मेरा ऑब्लिगेशन वहां पे खत्म। समझा क्लियर आपको? हाँ, कैश परचेस 4000 एट द रेट 10% सीडी कर दो, नहीं 10% उधर भी, उधर भी है ना, एक मिनट एक मिनट, पूरा राउंड अप नहीं देता हूँ, कुछ ऐसे करता हूँ 12% करते, 12% सीडी, यानी थोड़ा ऐसे ऑड फिगर दे रहा हूँ, ठीक है चलेगा? अब 10-12% कैश से निकालोगे, हाँ 10% 1% और 1%, ठीक है क्लियर? चलो कोई बात नहीं, होता है, लिखो चलो 20% सीडी एंड 5% सीडी, ठीक है दोनों दे दिया, क्या हाँ हमने ऐड के 1000 रुपए दिए ऐड के लिए बैनर अपने लगाने के, तो क्या हुआ अपना खर्चा हुआ क्या अपना? अरे अपन जो लगाते नहीं क्या वो पोस्टर ना, फ्लैक्स लगाते फ्लैक्स, हेलो जो अपन बड़े बैनर होल्डिंग लगाते होल्डिंग, वो होल्डिंग की अपने को सामने वाला मंथली पैसा लेता है। अब तुम टॉप करोगे तुम्हारा होल्डिंग लगाएंगे बड़ा बड़ा, तो वो जो होल्डिंग जिसकी होंगी ना ओनर, वो हमको होल्डिंग के लगाने के पैसे लेता है मंथली, तो वो अपना खर्चा हुआ कि अपने वो सर्विस देना, क्या चलते वो हाँ सर्विस आ रही ना उसकी, सर्विस इन आउटपुट आउट इट बिकम एक्सपेंस फॉर यू, तो एडवर्टाइजमेंट इज बिकम एक्सपेंस। समझा आपको क्लियर? हाँ वेरी गुड, चलो अब इसकी एंट्री कर देंगे तुमको, चलो मारो एंट्री प्रॉफिट, चलो ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, अब हम करेंगे एंट्री। चलो डाल देना मैसेज, हाँ अरे इसके बाद करोगे बच्चे आ जाएंगे ना, ये बल लगे तो बाद में करो, चलता देखो अभी तो गा रहा हूं मैं। इन द बुक ऑफ, किसका बुक है बच्चे लोग? मेसर्स साहिल, साहिल ट्रेडर्स, क्या बना रहे हैं पहले हम? जर्नल एंट्रीज, चलो पहले एंट्रीज करेंगे। अब एंट्री में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, थोड़ा है मुगलिया, तुम नहीं छोड़ना लेकिन, हाँ प्रथम छोड़ेंगे वो गलिया पीछे वाली, ये गलिया छोड़ेगा तू? ठीक है क्रिश, अब टेस्ट में देखेंगे क्या गुल खिला है। यस डेफिनेटली, मेरा वो अधिकार है, मेरे अधिकार को मत छीनो मुझसे। खेल का टीचर के साथ जन्म जन्म का वास्ता है, जन्मों जन्म का है कि नहीं? कृपया करके सेंसिटिव गर्ल्स बनने में ना पड़े, सेंसिटिव गर्ल्स
पर्टिकुलर एल एफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। चलिए शुरू करें बच्चा लोग, ध्यान देंगे सभी लोग इधर। एनी प्रॉब्लम? चलिए ओके प्लीज पे अटेंशन हियर। हाँ पहली एंट्री क्या होंगी बोलो? हमने हमने माल बेचा है नकदी में 10,000 का, लेकिन 10,000 रुपये ये हमारी बेचने की प्राइस थी, सामने वाला मान नहीं रहा था नकदी में, इसको नकदी में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10% काट के दिया, जो मेरा लॉस है। क्या है मेरा? अब यानी माल जा रहा है 10 का, लेकिन 10% काट के आएगा, बताओ 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है, 1,000 रुपये का होता है, तो 1,000 रुपये मेरा लॉस हो गया वो मेरा, यानी ऐसा हुआ नोटा आई 9,000 रुपये लेकिन माल गया तो 1,000 रुपये क्या हुआ मेरा लॉस, और लॉस को अपन डेबिट करते हैं नॉमिनल रूल से, बराबर कि नहीं? तो इसकी एंट्री होंगी पहली एंट्री बाय व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब नोटा कितनी आई अपने पास? कैश सेल यानी माल गुड्स सोल्ड इन कैश, हाँ 9,000 रुपये का अपने पास नोटा आई। अब बताओ अपने यहाँ से माल कितने का गया? 10 का, तो 1,000 रुपये मेरा घाटा हुआ ना। अब घाटा लॉस ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस? नॉमिनल रूल बोलता है लॉस को करो डेबिट, तो 1,000 रुपये लॉस को डेबिट करेंगे क्या नाम से? बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, भले ट्रेड की होती नहीं हो लेकिन कैश डिस्काउंट एंट्री में दिखाना पड़ता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, क्लियर? और कैश डिस्काउंट मिलता भी है, हम देते भी है। यहाँ तक तुमको समझा क्या? अब बताओ माल गया तो गुड्स गया, तो गुड्स को क्रेडिट ना करते अपन किसको क्रेडिट करते हैं? सेल्स को। भावेश आया क्या आज? क्यों? घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा क्या? ओके ये एंट्री बन गई। देखो एंट्री में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अभी, ये आपको आता है मैंने करवाया है, तो प्लीज यहां मुझे रुका के डिस्टर्ब मत करो। ओके चलिए अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 2 की। कब की है ये? अच्छा फेब 2023 है ना, 22 है ये, एक तरीका था ना, ठीक है। चलो अब क्या है, गुड सोल्ड टू रवि रुपीज 1200 एट 5% सीडी, इसकी एंट्री किसने की होंगी? ओके एक मिनट, जिसने की है हाथ पकड़ो सब बिंदास। अब इसमें से आधे बच्चे गलत करके आए, हाँ चलो ठीक है। एंट्री बोल परी बाय रवि 2 पक्का? हाँ एक मिनट रुको भाई रुको, हाँ बोल, हाँ हाँ बाय कैश बाय डिस्काउंट टू सेल्स। ओके आप बताओ सार्थक बाय रवि 2 सेल्स, आप बताओ आप बताओ आप बताओ बाय कैश बाय डिस्काउंट टू सेल्स। अब जिसने इसने बोला है बाय कैश बाय डिस्काउंट टू सेल्स, वो सब बच्चे गलत है। अब वो क्यों का रीजन अब सुनने वाले अगर बच्चे होंगे तो प्लीज सुन लीजिए। देखो इधर हमने रवि को 1200 का माल बेचा, अब मुझे थी पैसों की जरूरत, तो रवि बोल रहा लाल डायरी में नाम लिखो यानी उधारी, क्या भाई बाद में दूंगा पैसे। अब मैंने बोला यार रवि के पास जाएंगे कौन बार बार लेने पैसे, तो मैंने क्या किया, मैंने रवि अगर तू आज पेमेंट करता है अगर मेरे पास तो देखो मैं 5% डिस्काउंट काट के देना, चल मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा अपने प्रॉफिट को। रवि ने बोला नहीं चाहिए, क्या बोला? उसने 5% सीडी लिया ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट हम केवल नकदी के ट्रांजेक्शन में लेते हैं, ये उधारी का ट्रांजेक्शन है। देखो आप ये उधारी का ट्रांजेक्शन कैसे मालूम पड़ा? जब भी आप कोई चीज़ बेचो या खरीदो
उस बेचने और खरीदने के दौरान अगर पर्सन का नाम आता है और कैश लिखा हुआ नहीं है तो वो उधारी का ट्रांजेक्शन होता है, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है जिसका डाउट होता नहीं है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सब दिया मैंने आपको, या आपको सिंपल सिंपल देखूँ तो आपने 1200 का रवि को उधारी में माल बेचा है। अब बताओ रवि से लेना बाकी है तो P1 से रवि को डेबिट करो 1200 रुपये, और मेरे यहाँ से क्या गया, गुड्स गया, इसलिए गुड्स को क्रेडिट ना करते हुए अपन लिखते हैं सेल्स। समझा क्लियर? तो सीडी का कुछ यूज नहीं था, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते पेपर का। तो एंट्री होंगी बाय रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस सिंपल सोबर एंट्री है। 1200 रवि से लेना बाकी है इसलिए पी वन से डेबिट किया, और सेल मेरे यहाँ से गया गुड्स इसलिए क्रेडिट किया, बराबर कि नहीं? तारीख बोलो। टीडी सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन में अलाउड होता है। हाँ, यहाँ पे अगर टीडी होता है, टीडी ट्रेड डिस्काउंट, तो हम उधारी नकदी सबको देते हो। नहीं आता बेटा, दिखाया तो है पहले भी यार, गया ऐसा एंट्री पहले भी तुम्हारे पास। नेक्स्ट, हाँ, गुड्स रिटर्न बाय रवि। अब रवि द्वारा 400 का माल वापस आया, यानी खराब भरा निकला होगा रवि का माल, तो हमको रवि ने हमको वापस किया। अब बताओ ये कौन सा रिटर्न है, सेल किया हुआ, क्योंकि हमारे पास आ रहा है, हमारे पास माल वापस कौन सा आता है, बेचा हुआ खरीदा हुआ, तो ये सेल रिटर्न है। अब बताओ मेरे पास क्या रहा, गुड्स आ रहा, तो गुड्स डेबिट ना करते हुए अपन लिखेंगे सेल्स रिटर्न, क्या लिखेंगे, और इसके पैसे मुझे रवि को देना, तो रवि को करेंगे क्रेडिट, भी पैसे दिए नहीं है, बोलेंगे रवि हिसाब बाद में कर देंगे। अब रवि से कुल मिला के 800 ही लेना बाकी है, पूछो क्यों, 1200 उससे लेना बाकी था और 400 का माल वो वापस दे गया, तो अपने आप उसका हिसाब नहीं लो जाएगा। ये सब दर्शाता है लेजर अकाउंट, कौन दर्शाएगा, अपने आप लेजर में उसका बैलेंस 800 आ जाएगा, पूछो क्यों, अरे 1200 का उधारी में माल लगी गया मुझसे, 400 का वापस दे गया, तो बाकी कितने बचे, तो 800 ही लेना बाकी है ना उससे फिर, इसलिए अब ये सब तुमको यहाँ पे हिसाब नहीं करना है, तुमको यहाँ पे जर्नल एंट्री में सिर्फ रिकॉर्ड करना है बस। वो लेजर अकाउंट दर्शाएगा कितना लेन देन बाकी है, उसका बैलेंस कौन सा उसका, समझा गया आपको क्लियर? चलो अब बताओ यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स रिटर्न बाय रवि की, तो रवि द्वारा हमारे पास माल वापस आया, तो मेरे पास गुड्स आ रहा, इसलिए गुड्स को डेबिट ना करते हुए हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न आइदर, यस सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड, क्या बोलोगे आप उसको, तुम एक काम करो ऑब्लिक करके तो लिख दो, जब हमारे पास बेचा हुआ माल वापस आए तो गुड्स को डेबिट ना करते हुए आप सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना, ये नाम है उसका, क्या है उसका टाइटल। अब बताओ कितने का माल वापस आया, 400 का, और हु इज गिवर, अब यहाँ पे P1 से रवि को देना बाकी नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि रवि से लेना बाकी है तो उतना वो गीवर हो गया, वो तो रवि बिकम अ गीवर, इसलिए P2 से रवि को क्रिएट किया यहाँ पे। अब कुल मिला के रवि को बोलेंगे रवि बाकी 800 रुपये दे देना, कैसे, 1200 का कृति का माल लेके गया था, 400 का माल वापस ला के दिया, तो उसका कितना ड्यू रहा बाकी, समझा कुछ, दुकानदार के पास जाती है, तूने 1200 का माल लिया, फिर दुकानदार के पास वही तो खराब निकलने की वजह से 400 का माल वापस किया, तो बाकी कितना देगी उसको तू, यहाँ भी हुई ये पिक्चर, समझा क्या, रहना रिया समझा, इधर कोई डाउट नहीं है, इधर आस्था रांची बेटा, इधर पक्का कोई डाउट नहीं है किसी का बेटा, तुमको इधर रांची परी क्लियर, चलो बॉयज लोग सबको एक ही लू क्या, क्रिश मनीष वाली बैंक, तुषार वाली बैंक, साहिल वाली बैंक, संपूर्ण वाली, क्या ये वरुण वाली, ओके कृष्णा,
अनिल जतिन दोनों को अच्छा हाँ देखो तो ध्यान दे सिंपल बात है रवि द्वारा हमारे पास माल वापस आया। अब रवि द्वारा हमारे पास माल वापस आया तो हमारे पास माल आ रहा कि जा रहा, तो आ रहा तो डेबिट कर दिया से और इसके पैसे दिए नहीं रवि को मैंने, रवि बाद में हिसाब में देख लेंगे क्योंकि उस ऊपर देखो ऊपर ऊपर मुझे रवि से ऑलरेडी 1200 रुपए लेना बाकी था, तो यहाँ पे रवि को P2 से किसे बिकम अ गीवर, रवि बिकम अ गीवर से हमने उसको क्रिएट किया पर्सनल रूल से, समझा क्लियर। अभी तो मेरे अब देखो जब भी आपके पास बेचा हुआ माल वापस आए तो उसको गुड्स के नाम से एंट्री करना है, सेल रिटर्न आइदर सेल रिटर्न इनवर्ड के नाम से एंट्री करना है, क्लियर पिक्चर। हाँ इधर लास्ट बेंच सार्थक वाली बेंच समझी, चलो ओके तारीख बोलो उसकी कितनी है, आगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया, एड क्या है मेरा खर्चा, एक्सपेंस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, डेबिट करो और नोटा आएगी गई तो जो जा रहा हो उसको क्या करते क्रेडिट करते, इसकी एंट्री होगी बाय ठीक है बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट बोलो कितनी है। अब लास्ट एंट्री में सर रुक जाओ, अब यहां पे दोनों है टीडीबी है और सीडीबी है, तुम ध्यान दो। अब क्या हुआ हमने नकदी में माल खरीदा है किसी सप्लायर से, अब सप्लायर का नाम यहां पे दिया नहीं है बराबर कि नहीं, अब 4000 रुपए का माल था ए, अब एक सिंगल वर्ड आवाज नहीं करना, जो करेगा आवाज वो यहां पे आके परफॉर्म करेगा। मैंने 4000 रुपए का माल बेचा है खरीदा है कि सप्लायर से नकदी में, ये 4000 रुपए उसकी एमआरपी है, क्या है उसकी है, तो मैंने बोला एमआरपी तो लूंगा तुझसे, मैं क्या कमाऊंगा, मेरे को भी तो बेचना है कस्टमर को आगे खराब है कि नहीं, अगर मैं रिटेलर हूंगा तो मैंने होलसेल से लिया, अगर मैं होलसेलर हूंगा तो मैंने किससे लिया मैन्युफैक्चरर से बराबर कि नहीं, तो मैंने ये तो एमआरपी तो दिया मेरे लिए क्या मार्जिन छोड़ी, बोला ठीक है काम कर तेरे लिए 20% टीडी, यानी अब बताओ 20% टीडी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती क्या, डायरेक्ट अमाउंट में से उड़लते, यानी ये एंट्री चार्जर की है ही नहीं, ये एंट्री चार्जर प्लस 20% टीडी की, अब देखो 4000 रुपए में से 20% टीडी कितना होता, नहीं 20% 800 था ना, 800 रुपए 10% 400 और 20% 800, अब 800 रुपए टीडी गायब कर दो कितना होगा, यानी हमने 4000 का माल खरीदा ही नहीं है, हमने खरीदा है ये है हमारी एक्चुअल परचेसिंग प्राइस, आप सबको समझ में आ रहा है पक्का, कोई डाउट नहीं इसमें। अब दो मिनट यहाँ पे ध्यान दो समझना पड़ेगा। अब क्या हुआ भाऊ को मैंने बोला लिखो लाल डायरी में नाम, क्या बोला उसमें को, मैंने उसको बोला लाल डायरी में नाम लिख दो, तो भाऊ मेरे को बोलता कौन सा भाऊ, पता नहीं कौन सा भाऊ, नाम नहीं दिया उसको, सप्लायर था कोई तो भी, तो भाऊ मेरे को बोलता सर अगर आज के आज ही अगर आप पेमेंट करते हो मुझे तो आपको 5% और काट के दूंगा, चलो लेकिन वो कब काट के दूंगा, अगर आपने आज नकदी में उठाया तो। मैंने बोला यार पेमेंट आज भी करनी है कल भी करनी है, काम करवा आज ही उठाते, मैं बोल कितने होते रे, तो ये बात तो फिक्स होगी कि 3200 का मेरे पास माल आ रहा है, 4 का नहीं, क्योंकि 4000 रुपये से बोलने की प्राइस क्या थी वो एमआरपी, एमआरपी भी ना हम खरीदते ना बेचते बराबर कि नहीं, हम जो मार्केट का भाव होता है उससे खरीदते हैं, तो मार्केट भाव है 3200 कितना है। अब यहाँ पे 3200 का 5% और मुझे कम देना पड़ रहा, तो अभी अपने को यहाँ पे 5% टीडी निकालना है, और टीडी हमेशा याद रखना एमआरपी पे नहीं होती है, किस पे होती है परचेसिंग या सेलिंग प्राइस पे, सीडी सॉरी सीडी हाँ सीडी माय मिस्टेक सीडी हाँ। अब 3200 का 5% निकालना आता है, देखो कोई भी अमाउंट का 1 0 कम किया 10%,
अब 10% यदि 320 तो 5% इसका आधा 160, तो 160 रुपए ये आ गया हमारा सीडी। अब बताओ 3200 में से 160 गए 3040, यानी ये बात फिक्स है कि मैं सामने वाले को कैश पेड करूंगा 3040 रुपए, लेकिन सामने वाला मुझे नोटा सॉरी नोटा गुड्स देगा 3200 का, 4000 का नहीं 3200 का। पूछो क्यों? क्योंकि 4000 रुपए का ये सिर्फ एमआरपी था, जो सिर्फ प्रिंटेड प्राइस होती है लिखने के लिए, ताकि ट्रेडिंग की साइकिल आगे बढ़ाई जा सके। तो मेरा माल एक्चुअल गुड्स की प्राइस कितनी है 3200 रुपए। आपको सुना क्या, यानी ये बात है कि माल आ रहा 3200 का, लेकिन नोटा कितनी जारी रिया बता, अपने यहां से नोटा कितनी जा रही? हमारे पास माल आया 3200 का, परचेस करा ना हमने माल, लेकिन अपने यहां से नोटा कितनी गई? वेरी गुड, नोटा गई 3040 की, बराबर कि नहीं? अब बताओ जगह पे मेरे 160 रुपए बच गए ना, अरे मेरे एक हफ्ते का चाय पानी का खर्चा निकल गया ना, समझा क्या कुछ तुमको? तो बताओ 160 रुपए क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? हाँ, अब इसकी एंट्री कैसे देखो, चलो अब बताओ व्हाट कम्स डेबिट, गुड्स कम्स डेबिट, परचेज करने से माल आता है, तो अपन गुड्स को डेबिट ना करते हुए क्या करते हैं, परचेज लिखते हैं डेबिट, बाय परचेज अकाउंट डेबिट, पक्का है। अब बताओ माल कितने का आया, 3200 का, देखो ना आप, लेकिन नोटा कितनी गई, नोटा गई 3040। तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश गोज आउट क्रेडिट। अब बताओ नोटा जा रही 3040, माल आ रहा 3200 का, तो 160 रुपए क्या हो गया मेरा फायदा, क्या हुआ मेरा? और प्रॉफिट को हम नॉमिनल रूल से क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 160 रुपए ये लिखना टू डिस्काउंट रिसीव, मैंने आपको हमेशा बोला है एक्सपेंस और लॉसेस को भले स्पेसिफाई करो नहीं करो, लेकिन इनकम और प्रॉफिट को हमेशा स्पेसिफाइड करना, रिसीव लिखकर, पीछे से रिसीव लिखकर। अब डिस्काउंट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये दो अलग लेजर बनेंगे। ओके क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? हाँ शुरू करें, चलो अब कितने लेजर बने रे, इन्हें तो कल से भी घातक कम हो गया, कल कितने बने थे, 9, ठीक है चलो देखते हैं। अब देखो फर्स्ट डे पे समझाना हार्ड होता है, अब रफ्तार चलो फटाफट। हाँ चलो, हाँ मैं काउंट करता हूँ कितने लेजर बनेंगे, 8 बोलो ना, पहला कैश, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा सेल्स, चौथा रवि अकाउंट, पांचवा सेल्स हो गया ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट, वेरी गुड, फिर रवि हो गया है, छठवा एड अकाउंट, कैश हो गया है, परचेज भी हो गया है, कैश भी हो गया है, ऊपर परचेज नहीं हुआ है ना, हाँ तो परचेज अकाउंट एक सातवां बनेगा, और डिस्काउंट रिसीव एक आठवां बनेगा। सॉरी हाँ, तो आठ लेजर बनाओ सूट में, स्पीड में, ओके हाँ हिंदी बोला, अब मेरे को सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट, टाइम जल्दी, तुम जल्दी करो, तुमको लगना टाइम, मेरे को लगता नहीं। आज यहाँ से जाओगे सबको ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, गारंटी मेरी।
ट्रायल बैलेंस में कुछ सिखाने है ही नहीं कुछ, मैं क्या सिखा तुमको। हाँ एक अलग बात है कि यार ट्रायल बैलेंस का अलग वाला प्रोफा बनाएंगे, सेकंड वाला दो फॉर्मेट सिखाया ट्रायल बैलेंस के तुमको मैंने, तो प्रोफार्मा थे ना आज दूसरा नंबर करेंगे दोनों में से कोई भी एक। देखो हम जो आपको सिखा रहे हैं कोई माइकलाल उसको डिनाई नहीं करेगा, समझा क्या आपको क्लियर, टेंशन मत लो। एट पर्टिकुलर फिर आता है के एफ जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट क्या हो गया डेबिट साइड। आप लिखो ग्रेट मैन डेट पर्टिकुलर के एफ अमाउंट क्या हो गया क्रेडिट साइड। अब ऐसे बनाओ फटाफट आठ सात और क्या वो बेटा उसका रीजन है बिकॉज द एक्सपेंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड पर्सनल, तो वो फाइनल अकाउंट में करते हैं हम लोग। ओके नो आर्ग्यूमेंट्स कैप्टन। इसकी नजर लग गई चल रही नहीं कॉपी नहीं हो रहा। हाँ इट्स डन ओके कंप्लीट चलो कॉपी हो जा। तो बच्चा ही हरकतें कर रहा ना वो लंबा हट्टी का बेटा है तो इनकी हर वो मेरे को पता है। अरे यार आज तुम्हारे होगा क्या मेरे बन नहीं रहे। करो सॉल्व करो चलो तेज से पोस्टिंग आती ना करते निकाल दी बैलेंस चलो आज मैं ड्रॉ करता हूँ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट मुझे टाइम ज्यादा लगता नहीं है yes. चलो बन गए मेरे लिए बस पार्टीशन करना है अभी पार्टीशन
एसपी के लिए एक नया रजिस्टर बनाना है बेटा। आपको पेपर वाले लिखने दे रहे हैं क्या? आ जाओ पहले मालूम पड़े। खड़े होंगे कई दिन पर सर मैडम की अच्छा आपको कॉलेज का एम्बियंस कैसा लगा? मैंने अब ये बात अच्छा जो एलआरटी का सपना था वो कैसा लगा आपको? और जो पिक्चर में कॉलेज लाइफ दिखाते थे अच्छा किस किस का ड्रीम था कि कॉलेज लाइफ जीना है यार? सबका ही होगा मेरे ख्याल से ना, वो पिक्चर में दिखाते थे। अच्छा आपने मूवी देखी है खुश खुश होता है? देखा है ना अंजलि वाली कहानी? सोचा तो वही होगा कि हमने एंट्री सोचा यही था कि ऐसा होगा वैसा होगा, मालूम बड़ा कुछ नहीं होता है। ओके आवाज नहीं अभी मेरा नाम मत लेना बेटा, फेल कर देंगे तुमको, 11 की फेल होता नहीं आपकी। चलो बेटा आई एम अ कॉम्पिटिटर नाउ दैट्स व्हाई। और मैं इतना बोलता हूँ कि पूरी कम्युनिटी होल्ड करने का मैं दम रखता हूँ अपने पास। नहीं नहीं कॉलेज की बात कर रहा बेटा, कॉलेज डाइवर्शन बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करें, रेडी? हाँ, पहला अकाउंट कौन सा है? कैश। दूसरा? हाँ डिस्काउंट। तीसरा सेल्स। चौथा रवि अकाउंट। पांचवा सेल्स रिटर्न अकाउंट। छठवा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। सातवा परचेस। और आठवा डिस्काउंट रिसीव। चलो ठीक है रेडी हो गया, आप पोस्टिंग करेंगे फटाफट 5 मिनट के अंदर। सभी बच्चों से एक आग्रह है, इन्हें रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म होते से ही डायरेक्ट यहीं से जाएंगे कॉलेज।
चलिए शुरू करें। हाँ, पहली एंट्री है बाय कैश बाय डिस्काउंट टू सेल्स। पहले एक एक करके पकड़ो, पहले कैश को पकड़ो। ए कैश के डेबिट में क्या किया, एंट्री डेबिट किया ना कैश को एंट्री में, तो कैश के डेबिट में अपोजिट नेम नाम लिखो क्रेड का। तो कैश के डेबिट साइड में नाम लिखो अंदर क्रेड का, सेल्स का, लेकिन अमाउंट किसकी, कैश की कितनी है 9000। वेरी गुड, हो गया एक इफेक्ट। अब पकड़ो डिस्काउंट को, हमने एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट किया है, डिस्काउंट के डेबिट साइड में जाओ, डिस्काउंट के डेबिट में, डिस्काउंट के डेबिट में अपोजिट नेम लिखो टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अमाउंट डिस्काउंट की। अब हमने एंट्री में सेल को क्रेडिट किया है, तो सेल के क्रेडिट साइड में जाओ और नाम लिखो डेबिट का। अब डेबिट में एक नाम है क्या, दो है, दो डाल दो, अपोजिट साइड के सारे नाम आएंगे कैश और बाय डिस्काउंट। हाँ, अब यहाँ पे दोनों को मिलाकर आप नोटिस करो, दोनों को मिलाकर क्या अमाउंट सेल की आ रही क्या, एंट्री कंप्लीट। अब बताओ डेबिट के और क्रेडिट के सारे इफेक्ट हो गए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब पकड़ो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है बाय रवि टू सेल्स। अब पहले डेबिट को पकड़ो, एंट्री में डेबिट रवि को किया है, तो रवि के डेबिट साइड में जाओ, रवि का इतना भाग डेबिट का है इतना भाग क्रेडिट का है, रवि के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट रवि की 1200 रुपए। फिर आपने एंट्री में सेल को क्या किया, क्रेडिट किया ना, तो सेल के क्रेडिट साइड में जाओ और नाम लिखो डेबिट का बाय रवि अकाउंट। तारीख कितनी है आज की, कितनी इसमें 3। हाँ, लेकिन अमाउंट किसकी, सेल की कितनी, 1200 रुपए। अब क्या डेबिट के और क्रेडिट के सारे फिर हुए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री पकड़ो बाय सेल्स रिटर्न टू रवि। अब बताओ एंट्री में मैंने सेल्स रिटर्न क्या किया है, डेबिट किया है, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में जाओ, ये सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड, इतना भाग डेबिट का इतना भाग क्रेडिट का। हाँ, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाओ, अंदर नाम लिखो क्रेडिट का, क्रेडिट में रवि नाम है, लेकिन अमाउंट किसकी, सेल्स रिटर्न की। उसी प्रकार अब क्रेडिट को पकड़ो, अब बताओ एंट्री में मैंने क्रेडिट किसको किया है, सेल्स रिटर्न नहीं रवि को, तो रवि के क्रेडिट साइड में जाओ और नाम लिखो अंदर डेबिट का बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। सबको आ रहा है पोस्टिंग करके, लेकिन अमाउंट किसकी, रवि रवि की 400 रुपए। तारीख बोलो किसी दिन, 5 हो गया। नेक्स्ट, जो पोस्टिंग नहीं करेगा छुट्टी दूंगा नहीं, पहले पेपर रहे कोई भी रहे, बैलेंस निकाल लो फिर। हाँ, नेक्स्ट की एंट्री हो गई। अब 7 तारीख की एंट्री है बाय ऐड टू कैश। पहले ऐड को पकड़ो, अब तो एंट्री में एडवर्टाइजमेंट क्या किया, हमने डेबिट किया है, तो ऐड के डेबिट में लिखना बेटा, सक्षम सुनने आया क्या मेरा, हाँ हो गया, ट्रायल भी हो गया, तो कल छुट्टी दूंगा नहीं। कौन से कॉलेज में तू जाना नहीं, कि घर छुट्टी, हाँ वो मत देखो, बस टूटा शुरू कर अपना। अरे वाह, जब तक ट्रायल बैलेंस दिखा नहीं लिस्ट में छुट्टी दूंगा नहीं, भले पेपर कुछ भी रहे चलता था मेरे को। हाँ, एंट्री क्या है बोलो, बाय ऐड टू कैश, तो ऐड के डेबिट साइड में जाओ और अपोजिट नाम लिखो टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज, और कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब लास्ट एंट्री है बाय परचेज बाय टू कैश डिस्काउंट। पहले एक एक करके पकड़ो, पहले परचेज को पकड़ो एंट्री में, परचेज को एंट्री में क्या किया है, डेबिट किया है, तो परचेज के डेबिट साइड में जाओ, ये परचेस का डेबिट साइड, अपोजिट नेम लिखो। अब अपोजिट में एक नाम है क्या, दो है, दो रन दो 10 रन दो ना, सब लिखेंगे कैश टू डिस्काउंट, कौन सा रिसीव, ओ मेहरबानी करके डिस्काउंट रिसीव दिखाना अंदर। क्या हुआ बेटा,
अबे लेजर पोस्टिंग कर रहे ना, लेजर पोस्टिंग रोज का वही काम है बेटा। ओके समझ में आया अभी बेटा, आगे बढ़ू चल। अब बताओ रोहित बेटा किसके लेजर में पोस्टिंग किया अभी मैंने, परचेस के। अब बाकी बचे ना दो, तो उनके लेजर में भी एंट्री करनी होगी ना पोस्टिंग। चलो अब कैश तो बोलो, बताओ एंट्री में कैश को क्या किया है। हाँ तो कैश के क्रेडिट साइड में जाओ और नाम लिखो डेबिट का। अब डेबिट में नाम किसका है, परचेस, लेकिन अमाउंट किसकी, कैश की, कितनी है, 3040 रुपए। हो गया ट्रायल बैलेंस बन गया, क्या बात है, वेरी गुड नीरज कुणाल, सॉरी हाँ सुनो तो भाई है चलता है आपस में ना, नहीं भाई क्या बन जाएंगे टेंशन मत लो, बनेस में एक अलग जादू है, इट्स अ मिशन ऑफ यूनिटी एंड इक्वलिटी। ओके एकजुट होके रहना है सभी को। हाँ अब बताओ, हाँ अब डिस्काउंट रिसीव को पकड़ो। अब बताओ एंट्री में डिस्काउंट रिसीव क्या किया, डेबिट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव की क्रेडिट साइड में डेबिट का नाम बाय परचेस अकाउंट 160 हो गया। अब क्लोज करो जल्दी जल्दी, फटाफट करो क्लोज। चलो अब कैश अकाउंट क्लोज करूं, एक लकीर तो लकीर नीचे, ऊपर एक लकीर नीचे दो लकीर, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया नहीं, देखो डेबिट की जो साइड की अमाउंट बढ़िया आई वो एक लकीर, दो लकीर के अंदर लिखो उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस कितना आएगा देखो, देखो 4000 रुपये, 4900 560 बोलते हैं जल्दी, कैसे हो गया फिर भगवान, क्या करूं मैं इनका, प्लस माइनस तो करना सीखो, मैं करूं वो भी, ये बैलेंस बचा, इस बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन, और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर लगी नीचे करो ब्रॉट डाउन। अब बताओ कैश को आपने ब्रॉट डाउन कहाँ किया है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, तो हम बोलेंगे कैश डेबिट बैलेंस, क्या बोलेंगे, जिस लेजर के जो साइड में ब्रॉट डाउन करोगे उस लेजर को वो बैलेंस कहलाएगा, समझा क्लियर। चलो अब पकड़ो दूसरा लेजर जल्दी जल्दी करो, डिस्काउंट एक लकीर कौन से साइड का अमाउंट बढ़िया, देखो देखो अपोजिट साइड माइनस तो डिफरेंस 1000 रुपये आएगा, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन, और जहां कैरी डाउन किया अपोजिट साइड में एक लकीर नीचे उसको करो ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके क्लियर, अब सारे लेजर ऐसे ही क्लोज करो जल्दी फटाफट। अब तुम लेजर क्लोज करते क्या, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू मैं ये क्वेश्चन को कल कंटिन्यू करता हूं। ओके यस निखिल, निखिल एनी इशू, हाँ सर पौने एक बजे तक पहुंचना है। हाँ ठीक है बेटा छोड़ रहा हूँ, कॉलेज के एग्जाम होने की वजह से आपको ये क्वेश्चन अधूरे में छोड़ के नेक्स्ट सेशन में यही कंटिन्यू करेंगे। ओके अच्छा कल सेकेंड प्रोफार्मा समझाऊंगा मैं ट्रायल का, इसमें चलिए अब आई से देखते हैं।